माई नेम इज मुसद्दिक मलिक प्लीज सब्सक्राइब टू समथिंग हॉट एंड क्लिक द बेल आकन असलाकुम खातिर मेरा नाम है हसन चौधरी आप देख रहे हैं समथिंग हॉट दिस इज हॉट टू हॉट साल दो हजार बाईस का दिस इज गोइंग टू बी आर लास्ट इंटरव्यू एटलीस्ट माई लास्ट इंटरव्यू फॉर समथिंग हॉट और मैंने जिस शख्सियत को चूज़ किया है ये इंटरव्यू करने के लिए एक तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दूसरा अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा हिट ड्रामा डिलीवर किया है जो कि उनका पहला ड्रामा था तो इनसे पूछेंगे कि ये इनकी जर्नी जो रही है अपने पहले ड्रामे तक ये कैसे रही है कैसे ये डायरेक्टर बने लगते हालांकि ये कुछ हीरो से भी हैं और इनको शौक भी बड़ा हीरो बनने का और ये बनने भी जा रहे हैं हीरो तो उनसे इस बात के बारे में भी डिस्कशन होगी कि बनते बनते कैसे बन और अब बन जब एक अच्छा ड्रामा डिलीवर कर दिया तो ये ही हीरो मलिक द डायरेक्टर ऑफ हाफ वालेकुम सलाम आपको भी और सबको भी थैंक यू अब नया साल हो यार शुरू होने लगा जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं बहुत माशाल्लाह Uh, uh, yes, uh, स्टैंडिंग में, में है हब्स की तो ओवरऑल अच्छा गुजरा है माशाल्लाह आपका साल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आप पीछे जाते हैं और मुझे ये बताएं कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई और जैसे मैं कह रहा था कि आपको मतलब माशाल्लाह हम ड्रामों में भी देखते हुँ. रहते हैं मेरे पास तुमों में भी आपका एक बड़ा अच्छा किरदार था हब्स में भी था अब जो आगे आ रहा कुछ ओ, है कुछ उसमें तो मुझे ऑडियंस को भी बताएं कि हमेशा डायरेक्टर बनना चाहते थे एक्टर बनना चाहते थे क्या विजन था यार बैकग्राउंड बता दूं तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एंड माय फर्स्ट बॉस आई गुल

आए मुझे सब बोलते थे अच्छा आप एक्टर क्यों नहीं बनते आप आप इतने गुड लुकिंग आप एक्टर क्यों नहीं बनते तो बस उस पर होता था कि अच्छा चलो कर लेता हूँ और मेरे पास तो मौका जब एक कैरेक्टर आया था तो आई रिमेंबर मेरे असल में मैंने पहले अलिफ किया था हाँ, of course, आ, yes. uh, थोड़ा साथ साथ हाँ। हो गए थे वो लेकिन मैं

Really no, okay, uh, डायरेक्टर बनना चाहता था आज भी मैं डायरेक्टर बनना चाहता hmm. uh, हां लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स करूंगा जो मुझे मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता हाँ. या इस तरह के कैरेक्टर जो बस मैं कर सकता हूं हाँ. इस तरह से वरना मुझे लगता है, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत हैं मेल फीमेल बोथ हमारे पास देखने वाली आंख की कमी है एटलीस्ट यंग डायरेक्टर्स की अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हम जब लोगों से मिलते हैं, करते हैं, तो बनना है जो कहते tom, तो डायरेक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है हाउ डिड यू बिकम अ डायरेक्टर यार एक तो अथॉरिटेटिव होना चाहिए अपनी बात को लेकर बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप

मुझे भी याद है मैं वहां से रक्षा करके गया और, और शाही किल्ला में क्योंकि बहुत अंदर शूट हाँ. कर रहे थे और मुझे के भी बोला बिकॉज वी नीड एजुकेटेड डायरेक्टर्स एंड हम लोग जो है वो लुकिंग फॉर्वर्ड टू इट इन माई हेड

खैर उन्होंने बोला मैं कासिम अली मुरीद को जानता था कासिम हाँ। भी था सेट पे मैं नदीम भाई से मिला, से मिला मिला कासिम एंड फिर मैं घूम फिर के निकल गया बाहर मुझे बस पता था कि मैं करके जाऊंगा तो कराची चला सो so, पंजाब नहीं जाऊंगी जब सेट पे थी तब टू की बात भी चल, चल रही थी एंड ऑन बोर्ड एज सेड इट एंड टू जी मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और मैंने डी बी कर दिया और थोड़े पैसे कितने <बज़े थे? laughs> दस बजे और जी मैं वेट कर रहा हूँ और मैं हुआ को कॉल करता था वो नहीं उठाते थे नदीम भाई का नंबर मुझे बाद में मिला वो वो नहीं उठाते थे, थे, थे आते होती थी, वो चले जाते थे और मैं बैठा रहता था, और मुझे जो फारे होता था, सिग्मा में उसके बिठा देते इंटरव्यू लड़का है, फारि से पढ़के और ये और, और तो आंटी थी गुड पीपल like, so so nice. हाँ. तो बात ही नहीं करता था कट टू वेमा जक्रिया उ ने मुझे देखा तो एडी बनने आया था ये बोला अभी तक पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं खत्म हुई

तो मिल गया फाइनली वो जॉब मिल गई विदाउट पे इनिशियली विदिल रिमेम्बर ये तो लोग ये समझते हैं कि एक्टर्स की ही स्ट्रगल होती है तो इवन एडी बनने नॉट अ डिरेक्टर असोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर बनने तक की भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो आम लोगों को शायद इस बात का नहीं पता कि कैमरे के पीछे भी मुश्किल होती है जरूरी नहीं है कि कैमरे के आगे आने मुश्किल होती है मुझे बस जो बदल देगी एक फिल्म बट देन रियालिटी चेक मिला प्रोडक्शन हाउस ऐसे होता है उसमें काम करना पड़ता है ड्रामो में काम करना पड़ेगा ड्रामा मैंने पढ़ा भी नहीं है हमें फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म पढ़ाई जाती है इसका मतलब है कि यू हैव टू जो ड्रामे में होता है वो सारा एक्सपीरियंस मेरा स्क्रैच जीरो से मुझे सीखना पड़ा यहाँ नहीं बट ड्रामे पे तो बाद में आते हैं ना then you actually did get eventually जेपीएनए तो, तो how was that experience फिल्म के सेट के ऊपर I believe it was the best thing ever happened to me मैंने अल्लाह को बहुत शुक्रिया दाखिया because पता है क्या मैंने पढ़ा था से और हमें प्रॉपर तरीका पढ़ाया जाता है हर भी चीज, हर चीज को एग्जीक्यूट करने का और वो इम्प्लीमेंट हुआ टर्की जाके बिकॉज वी वर वर्किंग विद यूनियन सिस्टम तो उधर सब एक्टर्स को सुबह छह बजे उठना होता था और अगर वो घंटा लेट हो जाएंगे तो वो क्रू काम नहीं करता बिकॉज वो यूनियन सिस्टम था और वहां पे कट ऑफ टाइम कट ऑफ टाइम है तो वो जो मेरा वो जो मेरे क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि आपने पढ़ा होता है ना और आप जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आते हो तो आप कहते हो यार क्या किया मैंने पढ़ के क्योंकि हो तो कुछ नहीं रहा मैं इतना लकी था कि मैंने पढ़ने के बाद किश क्रू के साथ काम किया या इंडियन क्रू के साथ काम किया तो मुझे ये पता था कि जो मैंने पढ़ा हुआ है ये कहीं तो इम्प्लीमेंट होता है अगर पाकिस्तान में नहीं होता सो दिलीव so मुझे कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इट प्लेड अ वाइटल पार्ट सो ऑफकोर्स जेपीएन टू भी हुई और उसके बाद uh, ने बहुत सारी और फिल्म लंडन ही जाऊंगा ड्रामो की तरफ फिर कैसे आ गए क्योंकि पड़ी हुई फिल्म थी और इवेंचुअली hmm. ड्रामा यू सेट स्क्रैच से सीखना पड़ा हाँ. तो वो क्या मोमेंट था क्या वो टाइम था जब सिग्मा ने बोला कि यार मुसद्दिक हब्स डायरेक्ट करो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लेकिन हब्स के इससे पहले बड़ी स्ट्रगल थी तो मेरे पास तुम हो था हुँ. मेरे पास तुम हो के बाद फिर एल एन थी फिर आई असिस्टेंट सबा हमीद एट अ प्रोजेक्ट कॉल्ड गलती ऑफ कोर्स गलती एंड yeah. देन came period uh, then then came sinfihan and in between sinfihan happened the telefilm that was my actual debut of course I yahan like batana kam logon ko but musaddiq was also the AD on sinfe ahan one of the most popular dramas yeah. to, to have come out recently yeah so and that happened because of vasavi because vasavi said I'll, I'll write if you will direct it and that was a huge the telefilm telefilm Haan. वो सबसे बड़ी बात थी कि मतलब एक राइटर उठ के बोल रहा है कि तुम करोगे तो मैं लिख लेता हूं। क्यों क्यों वासे वासे को इतना कॉन्फिडेंस था के बाद या बिकॉज मी एंड भाई हैड अ वेरी क्लोज बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट एंड मीड टू डिस्कस एवरी थिंग इवन इन जेपीए ने टू के yeah. ने जो आखिरी कुछ सीक्वेंसेज थे उसमें तो मैं खुद बैठ जाता था उनके साथ कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा क्योंकि हाफ दॉट इवन मावरा वाला जो पार्ट था Uh, वो उसका एंडिंग नहीं डिसाइड थी पहले इट एंड इवेंचुअली सो मी एंड वासे भी वर्क्ड क्लोजली सो ही काइंड ऑफ सॉ इट बिफोर एनीवन एल्स सो टेलीफिल्म हो गई टेलीफिल्म हो गई टेलीफिल्म का फीडबैक कैसा आया देन के बहुत अच्छा बिकॉज़ टेलीफिल्म वाज डिफिकल्ट बिकॉज़ आप जब ड्रामा होता है यू हैव सो मेनी डेज टू कवर इट अप एंड डू व्हाटएवर

मेरे ऊपर डाला नहीं गया मैं ये नहीं बोल सकता था मुझे कि मुझे पूरा ड्रामा दे, दे। you know hmm. I mean? uh, hmm. like, डायरेक्टर की, हाँ. की जो हीट है वो ये है उन्होंने हाँ. but... भी छोड़ दिया पानी में हाँ, करो करो, हाँ. टेलीफिल्म में तो छोड़ दिया था ड्रामे में तो फिर ये है कि मैं डिस्कशन बड़ी डिटेल अच्छा चलो फिर अब आ जाते हैं ड्रामे पे हब्स फिर कैसे मिला Uh, actually, I was about to uh, go to Islamabad, mm. I was offered a really good job at a product, production level, it was not directorial debut, uh. but at a production level with good money, mm. and my house was near, I had a uh. setup in Islamabad, so I thought I should go, I was about to go, like I gave my all the resignation and everything, and then one day, Birfan Malik called me, he's like, you're doing Hubs, I'm like,

मेरे पास दो थी और मैं एक ऑप्शन के बारे में बहुत बोला के पास मैं खुद जा रहा था के सिग्मा से नदीम बेग कॉल कर रहे हैं या हुमायूं no. की कॉल आ रही है जी कि ये सिग्मा का स्क्रिप्ट है कर लो मैं अपना स्क्रिप्ट उठाता था और मैं पूछता था बट क्यों किसी ने नहीं यहाँ सनम मेहदी कॉन्टेंट नहीं बिकॉज मुझे खुद कनेक्शन बिल्ड करना था जिस बंदी के साथ मैंने सेट पर नहीं मर्जी से कर रहे थे मर्जी से कर रहा था बिकॉज आई न्यू कि इफ समवन वुड जस्ट कम एंड आई हैव टू वर्क विद हिम आई एम अ टाइप काइंड ऑफ पर्सन आई कांट डू इट बिकॉज़ आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दैट्स एग्जैक्टली हाउ फिरोज हैपेंड आई गॉट अप यू नो टुक माय स्क्रिप्ट एंड आई वेंट टू फिरोज ऑफिस एंड आई वेटेड फॉर हिम एंड देन ही केम एंड आई पिच्ड हिम एंड ही सेड ओके अच्छा या दिस आर दिस इज नो अदर कॉल के नदीम बेग इज कॉलिंग और हुमायूं इज कॉलिंग अच्छा प्योरली यू सोल्ड द स्क्रिप्ट टू हिम या आई वेंट देयर एंड आई वेंट देयर एंड ही स्टार्ट आस्किंग मी व्हाट इज द स्क्रिप्ट आई स्टार्ट टेलिंग हिम एंड यू नो दिस हैपेंस दिस हैपेंस आई वाज लाइक ओके लेट्स यू नो टेक इट फॉरवर्ड देन ही वाज ट्रैवलिंग आई कॉल्ड हिम and then one day i was not at the office i was shooting somewhere hmm. i don't know what but i was busy shooting something

क्योंकि मैं बहुत रियलिज्म पे काम हाँ। और मैं बहुत रियलिज्म पे जा रहा था नहीं अच्छा लेकिन मुसदक अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है और देखने वाले उनके में भी आएगा तो ये तो ऑन योर पार्ट एंड ऑन द प्रोडक्शन हाउस एंड भी अनप्रोफेशनल है अगर कोई एक्टर साइन करने के अनदर ड्रामा बीइंग शॉट

खैर पूछना दिया दे उन्होंने लाइव चैट शी सेड दैट कि हां हां और हाँ, उसको कर लेते कास्ट शी वाज वाचिंग एंड दे दिस दिस गाइस आर फ्रेंड विद ईच अदर अच्छा तो ये खैर लोगों को कुछ पता ही हो शायद ठीक है बट यू स्टिल डोंट वांट टू से द नेम आई डोंट वांट टू से दैट अच्छा चलो मैं भी नहीं फिर इंसिस्ट करूंगा <laughs> तो ठीक है तो फिर वो वो शी हैप्पी वो शी ओके विद इट शी वुडंट बी हैप्पी शी वाज अपसेट शी डिडंट टॉक टू मी फॉर Uh, and then we, we i told her that you know this was not then somebody else told her what happened then she's like okay uh, but she was really upset

उसके बाद से वो खफा हुई लेकिन मैं अपनी तरफ बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग बताते नहीं है आपको पता नहीं होता कि जिस ड्रामे के लिए आप वेट कर रहे हो हाँ, और कास्ट हुआ होता है हाँ, ये, हाँ, ये भी होता है ये ये भी भी होता है है शूट पे चला जाता है। कभी कभी किस्त आ जाती फिर पता प्लस आई एम इन प्रोडक्शन हाउस और यहाँ पे भी ज्यादा कुछ जिनको कम्युनिकेशन नहीं बताया जाता तो मुझे रेंडमली लोग साथ से फोन करके पूछ रहे होते हैं यार तुम बता देना हमें जब वो फ्लोर पे चला गया तो हमें तब पता चल जाएगा कि हमारा कोई चांस नहीं होगी

टॉक टू मी अबाउट टेल मी अबाउट अच्छा part. दो पार्ट जो नहीं हट चेंज हो सकते थे वो जो उष्णा और मेरी वाली बात थी वो जो चीट जो उसको शक होता है हां आई फॉट फॉर दैट बट वो नहीं हो सकता यू वांटेड टू चेंज दैट बिकॉज़ कैरेक्टर बनता ही नहीं है एक बंदे के पास एक दोस्त है और वो दोस्ती है जिसके थ्रू आप उसका पूरा कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम्म आप उसी पे शक करा रहे हैं उसको और कहानी मेरे जेहन में तो आइडियाज ही बड़े अमेजिंग अमेजिंग थे मैंने बड़ी कोशिश भी की कि बात उस तरफ चली जाए कि मैं बानों की रिश्ते की वजह से भाभी कितनी तारीफें करता हूँ बट वो नहीं हो डायरेक्टर अच्छा, so स्क्रिप्ट में एक चीज के साथ अग्री नहीं करता लेकिन उसको obviously execute करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है दिल नहीं होता बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर

अब होता यह है कि अगर डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी ज्यादा है जो कि मेरी है लेकिन द थिंग इज कि वो इतनी चेंज नहीं हो सकती ना चीजें फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो छह किस्तें लिखी हुई है छे किस्तों में से मैं छह किस्तें तो नहीं चेंज हर सीन तो नहीं चेंज कर सकता ना और उस सीन की वजह से उसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा वो मैं शूट पर हूं यार मुझे ड्रामा डिलीवर करना है हाँ। और ये और ये तो शूट पे जाने से पहले क्यों नहीं ये डिस्कशन हो सकती यार कि ये जो बेटा ये नहीं सही और हमें चेंज ऐसे नहीं हुआ था कि बिकॉज आया था ऊपर से Uh, पहले तो किस्ते लिखी गई थी ना जो मैं खैर ये वाला मसला तो मैंने सोचा था आई आई प्ले अराउंड इट ये तो मैंने मैंने बहुत जल्दी मांग गया था ज़्यादा नहीं की थी द पार्ट वेयर आई वाज़ नॉट वाज़ सोहा दैट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ड्रामा सोहा का कौन सा ये तो, तो, आपने कुछ देखा ही नहीं टीवी पे ये तो सारे मेरे सवालों के खुद ही कर दिए मैं के किस बात करूं खुद ही कर रहे हो मैं बात। बता रहा हूं कि और हम, मैंने और आयशा उमर ने बैठ के जितना उसको टोन डाउन किया और जिस तरह उसकी हर बात के पीछे एक रीजन दी है कुछ भी नहीं था शी वॉज आउट राइट एक बंदी थी जो मतलब जिसका मकसद यह था घर तोड़ना और प्रॉपर वैम्पेश लाइक मतलब स्टार प्लस वैम्पेश टाइप सिचुएशन

just to give that girl that this is not a bad person हाँ, you know what i mean हाँ, just to give her that authority हाँ. i am doing it out of तो यानी कि हमारे रिव्यू सही होते हैं यार फिर तो या, या, मुझे तो खुशी मिल रही है ये बातें सुन के सारी या, 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 कि हमने जो चीजें पॉइंट आउट की यू योर सेड द डायरेक्टर इज अग्रींग कि हम सही कह रहे थे बातें कह रहे थे बट दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक जो इशू था ड्रामा के साथ वो था आयशा उश्ना का किरदार आयशा जब वापिस है तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये सारा कुछ हुआ। बट आयशा की जहां तक बात है वहां अ वुमन इन कन्फ्यूजन इज सेइंग मुझे किसी को माफ नहीं करना मुझे ये नहीं करना सिटिंग इज थिंकिंग आप उसकी कंफ्यूजन को डाउट नहीं कर सकते आपको यह समझ आ रहा है कि दिस गर्ल

आपने ये करना है मैं वो कर एक बंदी जो इतनी हाँ, 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 हाँ करती आई है उसको एक एक टाइम पीरियड के लिए ना करने का तो हक हाँ है या खुद कॉन्टम्प्लेट करने का तुमने मुझे खरीदा या मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं वापस आई हूँ उसने कहा कि आज एक और बासित पैदा हो रहा है और मैं और तुम वी हैव अथॉरिटी टू यू नो चेंज लाइफ बच्चे की वजह से किया उसने या

आयशा प्राइमरिली बासित उस बात पे लड़ी है आखिरी जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है जो कि शादी से पहले की थी और शादी के बाद वो दस बार ये बात अक्नोलेज कह चुकी है और कह चुकी है कि बासित बदल गया बासित बदल गया बासित बदल गया सो माई प्रॉब्लम विद आयशा वॉज कि वो उसको शादी के पहले वाले एक्शन के लिए अब क्यों काउंटेबल होल्ड कर रही है वॉट यूर संगस इमोशनलो बट हमार अगर ये नया हुआ होता ये कॉन्फ्लिक्ट शादी के बाद किसी चीज के ऊपर हुई होती तो फिर मैं कहता ठीक है

क्सेस थे या उसकी सेल्फ वर्थ इतनी थी कि वो वो नहीं कर सकती थी उस बंदी को जब पता चलता है कि तुमसे शादी ही जो है वो पैसों के लिए हुई है तो उसको कैसा फील होता है एंड माइंड यू शादी की रात को वो जो आप सबके क्वेश्चन थे रिव्यूज वगैरह के कि ये हो गया वो हो गया अब उस परस्पेक्टिव में दोबारा ड्रामे को देखें जिसमें उसको पै, उसको लड़की को पता चले कि मुझे मुझे पैसे दे के लाया हुआ है तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है बात बदल जाती है बात से so उसको you... बता चुका था शादी से पहले कि यार मेरे बाप की पैसों का नहीं पैसे... बताया था बात, बात की नहीं... वाली बात तो उसने यू अंडरस्टैंड कर ली कि तुम्हारा मसला है लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड फिर उसकी बहन उसको आके बताती है कि तुम जो हो प्रॉब्ली ही लाइक्स यू एंड वहां पे वो सोचती है प्रॉब्ली ही डज बट जब उसे ये पता चले कि ही नेवर एक्चुअली लाइक्ड मी जो मेरी अब अब तो प्यार करता पास, ना? हाँ, पास की तो पास की है ना आप ये रहे हो कि इतना तब्दील नहीं हो सकता चाइल्ड ट्रॉमा खत्म हो जाए हुँ. बड़ी हद तक तो तब्दील हो गया ना कैन सी एविडेंटली की यार ये लड़का में से मोहब्बत करता है ये इसके जो इश्यूज थे उन पे काम कर रहा है

तो उसके एक बिगिनिंग होता है एक एंड होता है और जब आप अप्रूव कर रहे होते हैं तो वो वैसे शूट हो रहा होता है बट द वे आई शॉट इट विद द ट्रीटमेंट एंड एवरी थिंग आई कोडेंट कट स्टाफ आई हैड टू शो जिस तरह मैंने जो मेरा तरीका है बताने का वो थोड़ा सा ड्रैग है

बट देन यू हैव हैव स्टार्स इन देा तो ऑब्वियसली ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो जो बड़े नाम एसोसिएट जो बड़े स्टार्स हैं hmm. उनको वो जल्द से जल्द देखें ड्रामे में तो बाद में ये रियलाइजेशन हुई कि यार कि हाँ ठीक है एक तरह से इसको एग्जीक्यूट करना मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मुझे स्क्रिप्ट की जो बिगिनिंग एंड मिडिल था मुझे उस एपिसोड्स uh, के मुझे उससे स्टिक रहना चाहिए था मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए था बिकॉज दैट आई गेस थोड़ा सा

मैं अगर आयशा उमर हूँ हाँ। मैं अगर सोहा हूँ हाँ। और मैंने दो लोगों को मिलाना है हाँ। और मुझे पता है कि मैं दो लोगों को इतना मिलाना चाहता हूँ कि कि इस जगह से बाहर निकले तो ये मुझे अब हर चीज तो यार तुम लोग चाहते हो मैं हर चीज का टिकट चलाऊंगी ना पाकिस्तान का मसला है कि लोग बोलते हैं यार इट रीड बिटवीन द लाइंस नहीं हो रहा कुछ खुद समझने की मोमेंट इट यू यार ये मूव हमें तो नहीं समझ गई अभी ये भी हो सकता है ना आपकी एग्जीक्यूशन में वो एग्जीक्यूशन होगा मैं तो बिल्कुल अभी शुरू हो तो गया मुझे था वो तो अभी तो ये, ये भी ये भी हो सकता है ना कि आपकी एग्जीक्यूशन लगता है सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता ठीक है और हर चीज का आंसर हम जब कोरियन फिल्म देखते हैं या कोरियन ड्रामे देखते हैं विच इज अमेजिंग हाँ। 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 हम हर चीज की लॉजिक नहीं ढूंढते हम उसको वो वाला डाउट देते हैं कि शायद कोरिया में ऐसा होता है प्लीज आप पाकिस्तानी ड्रामे भी ऐसे देखें शायद पाकिस्तानी आप आपने एक बनाया ना हम पंद्रह ड्रामे देखते हैं हफ्ते के यार बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज

टॉपिक कॉन्वर्सेशन की तरफ अगर हम आए यू मेड अ पोस्ट अबाउट फिरोज डू टॉक अबाउट इट डू यू नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल समथिंग दैट्स आउट इन पब्लिक ओके व्हाट इज द क्वेश्चन व्हाई डिड यू मेक दैट पोस्ट वट है बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉजली अभी जब आप बता रहे हैं पूरी कहानी आ, मुझे सुन के अच्छा लगा कि एक न्यू कमर डेब्यूट डायरेक्टर एक बड़े स्टार के पास गया है और बड़े स्टार ने उसको उसके ऊपर भरोसा किया फेथ रखा और प्रोजेक्ट साइन अप कर लिया पिछला कोई काम देखे बगैर जाने बगैर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग uh, और अच्छी अप्रिशिएट करने वाली बात है बट देन आपके पोस्ट से हमें ये अंदाजा हुआ कि शायद सेट के ऊपर आपका जो उनके साथ पोस्ट करने की जो जो सबसे मेन रीजन है

और मैंने फिर मेरी उष्णा से बात उष्णा ने कहा कि ऑफिस जाओ एंड यू नो टॉक टू योर सीनियर्स एंड यू नो टॉक टू देम दे विल अंडरस्टैंड बट देन आई रियलाइज कि दिस इज मी डूइंग इट अगर मैं जाके अपने प्रोडक्शन हाउस बैठ के डिस्कस करता हूं तो मैं ये कभी पोस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो अगले मिनट मुझे चिल कर लेंगे कि यार ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता द रीजन वाई आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रेक द एक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर दैट आई हैव क्रिएटेड बासित सलमान खान इज अ फिक्शनल कैरेक्टर उसको आप कंफ्यूज मत एक्टर के साथ क्योंकि उस की में जो हो रहा है वो उसकी बताने की कोशिश की वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है hmm. उस अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये लड़का इतना वो है ये तो ऐसे नहीं कर सकता आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट टू की ड्रामा अवे फ्रॉमर इज है

too really bad because the first day i remember my actors were on set 10 a.m we were shooting yeah. there was a joke that i was late and my actors were before <laughs> time and they made a huge thing about it that you know you're late but it was really fun we used to sit on the scrape we used to talk about yeah. it we used to discuss in detail or patava nazarbiyatta हम्म काइंड ऑफ एफर्ट वो नजर भी आती है तो नहीं शूट हुआ ना कि पहले के सीन्स पहले शुरू नहीं, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। कौन सा टाइम था वो शुरू जो शुरू का आ, सीन्स शूट किए दैट वाज वैसे तो मैं शूट कर रहा था uh -huh. बट बासित का जो घर था वहां uh -huh. का जो इनिशियल था पहला सीन पहला जावेद शेख शेख वाले सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ बहुत अच्छे तरीके से वेंट रॉन्ग एंड एंड व्हाई हियर देयर वाज अ कपल ऑफ कमिटमेंट्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ वॉज वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी जितनी ट्रांसपेरेंट एंड नॉट स्पेसिफिकलीसन आई टेल पीपल दैट एक्टर्स की नौकरी बहुत सीरियस नौकरी होती है जो बहुत सारे एक्टर्स नहीं लेते अपनी नौकरी को सीरियस uh,

लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया हुआ। तो मैं चाहता हूँ आप, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपकी एक्टिंग को बहुत नीचे लेकर आऊंगा जो बिल्कुल रियलिज्म के करीब होते हैं इनिशियलीचुरल एक्टिंग इट वॉज वर्किंग बट और फिर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ यार वो भी बड़े मसलों से जिंदगी से गुजर रहा था उसकी भी जिंदगी में क्या क्या कुछ हो रहा था मैं उस पर नहीं करना चाहता वो पता नहीं क्या होगा बट आप झूठ नहीं बोलते ये जो सीन्स है जिसमें आप कह रहे हो कि फिरोज की अपनी एक इनपुट थी तो इवेंचुअली फिर क्या होता था आपके इनपुट पे होता था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता था कैसे होता था मिडल ग्राउंड निकाल लेते थे हम कभी मैं

डायरेक्टर इज टेलिंग उसकी आई लाइन में आप नहीं आ सकते और उसको लेफ्ट राइट जो फजूल की बातें हो रही थी राइट बिकॉज टू परफॉर्म उसी की जगह है उसको बताना है कौन क्या करेगा क्या करेगा बिकॉज उसने परफॉर्मेंस देनी है वो hmm. रो नहीं सकती दस hmm. लोग उसको यूँ देख रहे हो और प्लस ऑल्सो आई लाइन का एक मसला होता है आपकी टेंशन चली जाती है पूरी उस पर

छोटी छोटी बातों से ऊपर होती है एक्टिंग तो सज्जल आज भी में, अनकही में भी रेडी हमेशा रेडी बैठी होगी सिंफियान में तो इतने ताम जाम होते थे ट्वेंटी सेवन चेक पॉइंट होते थे, थे उनके कपड़े पहनने के वो उधर भी हमेशा तैयार होती थी मतलब आप यार मतलब ये ये, ये सीख नहीं सकते शायद आप इट्स जस्ट इन यू ठीक है तो एक डायरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन को भी फिर जो है हाँ। समझना चाहिए जब actors, कि जब एक्टर्स की कोई भी एक्टर हो कोई भी प्रोजेक्ट में हो जब डायरेक्टर जो के दस पंद्रह एक्टर्स को एट ए टाइम साथ लेके चल रहा होता है टाइमलाइंस होती हैं टेक्निशियंस होते हैं प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है चैनल का प्रेशर होता है अपनी एक जॉब होती है ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई एक एक्टर आपको टफ टाइम दे रहा होता है तो फिर ऑब्वियसली obviously... या, यार मैं ज्यादा साइंस नहीं है हसन ज्यादा साइंस नहीं है एम्पथी

कुछ का मिल गया कुछ का अभी तक बातें चल रही है कि ये कैसे हो गया अच्छा। तो वो वो मेरी भी लर्निंग थी बिकॉज मुझे था कि अगर हाँ। करना है तो मैं खुद कर लूंगा ना हाँ। तो बाद में पता चलता है कि नहीं अ प्रोसेस टू एवरीथिंग जो मैं उस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ तो वो मेरी अपनी लर्निंग है लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि आपका डायरेक्टर तीन तीन घंटे से खुद उतर के कर रहे हैं हाँ। हाँ। तो आप ये नहीं कर सकते मतलब हम तुम भी इस इंडस्ट्री में हो मैं भी इस इंडस्ट्री में हूं

बच्चों का नाम लेकर आप झूठ बोलो और फिर आप उधर भी ना जाओ और आप किसी पार्टी पे बैठे हो और वो पार्टी भी आपके दोस्त की ना मतलब फिर आपको होता ना कि यार इट टूक जस्ट एम्पथी फॉर एनी टू सी यार मैं किस स्ट्रगल से गुजर रहा हूं मतलब बानो दानिया जोया ये मेरे हाथ के कैरेक्टर्स इनको मैं जो बोलता था ये करते थे तो मेरे हाथ की गेम थी वो आपको नजर आती है कि यार ये बिल्कुल ऐसे ही है जो फिर नहीं होता तो फिर नहीं होता चलो ये तो हम आ, विश कर सकते हैं प्रे कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाए मुझे ये बताओ कि मूविंग फॉरवर्ड वॉट इज इन दाइप लाइन अब क्या विजन है डायरेक्टर ड्रामो का ही डायरेक्टर बनना है या वापस फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है एक्टिंग पर करनी है क्या चल रहा है फिल्म तो करनी है ऑब्वियसली लाइक like, फिल्म तो जितनी इस... देर में ड्रामा मिला फिल्म मिला, ने, ने, मुझे ऐसे नहीं

उसके अलावा आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट डेज जिसका वर्किंग टाइटल है एक इश्क हाँ. जो कि नहीं होगा बिल्कुल भी uh, सिग्मा का ऑब्वियसली सिग्मा का है और अब फे फेथ आ गया है नदीम बेग का हुमायूं सईद का बॉसेस का बाकी का काम बेग का फेक फेक नदीम बेग का फेथ अब जाके आया है बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड इन इन मेरे पास तुम हो बट है तो फिर भी शायद उन्होंने कुछ एक हद सीन शूट करने दे दिया था मुझे बट ही नेवर लेट मी शूट एनीथिंग लाइक बिल्कुल भी नहीं वो होता है ना नॉर्मली एडीज होते हैं मैं कहते हैं फोन कॉल ये कर लूंगा नदीम भाई मुझे देते ही नहीं थे कभी भी आफ्टर हब्स ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू गो समवेयर ही सेड यू शूट दोस टू डेज ऑफ कुछ एंड कहीं कुछ एंड हैं। अच्छा कुछ एंड कहीं like, के किए हैं दोस्त ओके बट इट वाज मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी बिकॉज़ आई नो हाउ पिकी नदीम भाई इज अबाउट हिज वर्क

अ uh, एम्बेडेड बातें जो बोली नहीं जाती थी मुझे अभी भी याद है मेरे बचपन में क्या-क्या ड्रामा क्या नहीं देखा हमने टेलीविजन के ऊपर आखिरी किस्त से लेकर क्या-क्या ऐसी क्या, ऐसी हाँ। स्क्रिप्ट जो अभी मैं बैठ के सोचता हूँ हॉलीवुड ने भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया वो चीजें करने के लिए साइको uh, थ्रिलर्स थे थे टेली थिएटर आता था एक पीटीवी पे क्या-क्या काम हमने देखा बट अब हम लोग आगे बैक टू सास बहू एंड कुछ अनकही में योर एक्टिंग

माय रोल अच्छा नो वन ऑब्वियसली क्यों हाँ मैंने नहीं करना क्या दूसरा दोस्त है ये वो है लेकिन मैं बताऊं कि जब एक एक्टर एक आता है ना तो कुछ चीजें आप बिल्ड कर देते हैं हाँ। तो जब कोई भी नहीं था तो फिर मैंने कहा मैं इवन टुवर्ड्स द एंड द राइटर्स वर स्टक कि हु विल टेल आयशा हां

Yeah. कहां पे कहा yeah. जिनको पता हो कि मसला कहां पे था एंड आई ऑलवेज से दिस कि हम जो भी ड्रामो को रिव्यू करते हैं मोस्ट ऑफ दी डायरेक्टर्स एक्टर्स राइटर्स प्रोड्यूसर्स दूसर जिनके बारे में हम ये बात कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि जो जहाँ पे गलती हुई है वो कहां पे गलती हुई है मोस्ट ऑफ द पीपल कोई मतलब ये बेवकूफ लोग तो नहीं है ना जो कॉन्टेंट हाँ, बना रहे हैं हाँ, हाँ, मतलब वो भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो ही कर रहे हैं वो फॉलो उनको पता होता है हाँ, क्या होता है अच्छी बात ये होती है कि जब आके आप उसको डिफेंड नहीं करते आप कहते हैं यार ये हो गया we'll be we'll मतलब <laughs> उसमें मतलब हाँ, you know I mean, हाँ, मकसद ये नहीं होता कि ड्रामा कैसा दिख रहा है हाँ, बात क्या हो रही है वो है मेरे हिसाब से हब्स की कहानी एक इंपॉर्टेंट कहानी थी हाँ, तीन लड़कियों की, की बातें लड़की हाँ, का चाइल्ड ड्रामा ये सब चीजें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी अब वो ड्रामे को मैं बैठ के डिफेंड करूँ ना करूँ मेरा जो पर्पज था वो हो गया मैंने बना लिया आपने देख लिया आपने जितनी अच्छी चीजें उसमें से ले ली वस्ट माय स्ट्रेंथ अगर आपको कुछ बुरा चीजें आपने सुन ली मैंने सुन ली मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा और ये कोई मैथ्स हाँ। मैथ्स तो है नहीं है कि आप बोले फाइव है तो मैं बोलूं फाइव है

कि हम उनको सपोर्ट करें उनको एनकरेज करें और इस रट में फंसने ना दें yeah. के यार कि जो बनता आ रहा है भाई yeah. जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस में चीजें होती yeah. आ रही है कि एक एडी बनने के लिए भी आपको yeah. इतनी स्ट्रगल yeah. करनी पड़ती है वो ना हो hmm. तो प्लीज आई आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू एज वेल शो सम लव टू मुसदक कमेंट सेक्शन में एनकरेज करें मुसदक को ताकि वो एक अपने पहले ड्रामा के बाद